सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। इस पेपर में हम लोग बात करेंगे आप लोगों के बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर के ऊपर, होम साइंस के टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री यानी वस्त्र और उनकी धुलाई किस प्रकार से की जाती है उससे संबंधित। तो वैसे देखा जाए तो ये बहुत नॉर्मल सा एक प्रकार से पेपर है और नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं। वही दो सेक्शन है, तीन सेक्शन है सॉरी, ए बी सी। और आप सबको पता है कि इसमें प्राइवेट और रेगुलर का एक ही पेपर होता है, प्रैक्टिकल दोनों का होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इसको भी यदि आप लोग देखोगे तो पता लग जाएगा। और कुछ चीज़ें बहुत सामान्य होती हैं जिनको लेकर के मैं चर्चा ज़रूर करूँगा इस पूरे वीडियो में। एक तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो यूनिट वन से, और हर यूनिट से आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है कि कोई भी दो यूनिट आप ऐसी तैयार कर लो जहाँ से कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा पेपर मिल पाए, और पिछले साल के क्वेश्चंस को आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। देखिए टेक्सटाइल फाइबर, तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर बनेगा टेक्सटाइल फाइबर्स और किसका क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। और एक क्वेश्चन जो है मेरे सामने जो बनेगा वो नेचुरल फाइबर्स का बनता है, उनका ओरिजिन, उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है यानी विशेषताएँ क्या होती है, और इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर। तो कॉटन के जो है उनके क्या यूजेज है। तो नेचुरल फाइबर जो है कॉटन, सिल्क और वूल होते हैं, और इनके बारे में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और नीचे के को आप छोड़ सकते हो, मतलब कोई भी ऊपर के दो टॉपिक कर लोगे नीचे वाले को छोड़ सकते हो। इसके बाद यदि यूनिट सेकंड की हम लोग बात करें तो अब यहाँ देखिए, मीनिंग ऑफ वीविंग, निटिंग, फेल्टिंग, बार्प, ये पूरा पोर्शन आप ज़रूर कर ले ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। नीचे वाला को छोड़ सकते हैं आप लोग, या यदि वीविंग पूरा करोगे तो वीविंग पूरा करोगे, मतलब यार्न कंस्ट्रक्शन और वीविंग में से एक टॉपिक आपको पूरा करना है, और उसके डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्पिनिंग या डिफरेंट टाइप्स ऑफ यार्न, मतलब दोनों में से कोई एक आपको करना ही करना है। और जो बड़ा क्वेश्चन भी इसमें से आएगा, 15 का भी आएगा, 7 का भी आएगा, देखो तीनों क्वेश्चन आएंगे इसमें, एक क्वेश्चन 15 में आ जाएगा और दो क्वेश्चन साथ साथ में आएंगे, तो आप पूरा पढ़ लो, ये हेल्प करेगा आपको। और यदि आपको इसमें से 15 नंबर का नहीं करना तो नॉर्मल कर सकते हो। फिनिशिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग, और डिफरेंट मेथड्स ऑफ फिनिशिंग जिसमें ब्लीचिंग, सीजिंग, टेंटरिंग, ये सारा कुछ एक बार आप लोग कर सकते हो। बहुत बड़ा पोर्शन बन जाता है अपने आप में कि फिनिशिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं, और एक बार आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर कई बार ये पूछ लेता है कि ब्लीचिंग के कैसे होती है, डाइंग के ऊपर भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो एक आप डाइंग भी कर लें। नीचे के पोर्शन को आप लोग छोड़ सकते हो। ये मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ से पिछले ये जो है ना, फुलकारी ऑफ पंजाब, कांठा और बंगाल, और पटोला गुजरात का, और कश्मीरी एम्ब्रॉयडरीज, इनको ज़रूर आप लोग थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछते हैं। यूनिट फोर की यदि हम लोग बात करें तो ये थोड़ी सी टफ पड़ जाती है। सेलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स फॉर वेरियस यूज इन होम, मतलब एक तो अलग अलग कामों से घर में जो फैब्रिक्स का चयन करते हैं वो क्यों करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है एक तो यहाँ से। और एक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे फैब्रिक्स को सेलेक्ट करने में, जैसे क्लाइमेट है, कंफर्ट है, यूटिलिटी है, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब ये धुलाई वाला पोर्शन है आखिरी, तो धुलाई के प्रिंसिपल्स और मेथड्स कौन कौन से हैं और इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, कोई भी दो क्वेश्चन आप लोग कर लो, और इसके बाद जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक ये स्टेन रिमूवल जो है, मीनिंग, मतलब जो धब्बे होते हैं वो किस प्रकार से छुड़ाए जा सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा हिंदी वाले बच्चों को भी बताने का प्रयास करता हूँ, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, क्योंकि इसमें कई बार शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। तो एक तो वस्त्रोपयोगी रेशे जो है उनका वर्गीकरण, और इसमें आपको प्राकृतिक जो रेशे हैं, कपास, रेशम और उनके उद्गम, निर्माण प्रक्रियाएँ, विशेषता और उपभोक्ता के लिए इनका महत्व, तो ये पोर्शन मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है इसमें से। और जो मानव कृमित रेशे हैं इसमें से आप लोग रेयान और नायलॉन कर लेना, और ऊपर का यदि कर रहे हो तो इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में तो ये पूरा ही आएगा, तो ये पूरा कर सकते हो आप लोग। यदि यहाँ पर धागे एवं कपड़े के निर्माण की बात करें तो रेशे की बुनाई यानी वीविंग, निटिंग, ये पूरा आप लोग एक बार पढ़ लेना जिससे कि हेल्प मिलेगी।
और फिर धागे का निर्माण भी पढ़ लेना, बुनाई को फिर छोड़ सकते हो, मतलब ये ऊपर का पोर्शन पढ़ लेना। और यूनिट 3 से बात करें तो परिसज्जा, परिसज्जा के अर्थ इतना आप लोग यहाँ से देख लेना, और परिसज्जा की विधियाँ, तो एक तो परिसज्जा वाला पोर्शन कर लेना, और एक जो है आप लोग चाहो तो छपाई में से देख लेना। छपाई में जो है ये बहुत बार पूछा गया है ना, तो छपाई पूरा देख लेना। और इसमें से आप गुजरात के पटोला, पंजाब की फुलकारी और कश्मीरी जो कढ़ाई होती है वो देख लेना। और यूनिट 4 से यदि बात करें अपन, तो ये मुझे थोड़ा सा अलग सी यूनिट लग रही है, तो घर में प्रयोग में आने वाले विभिन्न कपड़ों का चयन हम लोग कैसे करते हैं, बच्चों अलग अलग बच्चे महिलाओं पुरुषों के, तो ये यहाँ से थोड़ा सा देख लेना। और धुलाई वाले पोर्शन में यदि 5वीं यूनिट की बात करें हम लोग, तो धुलाई के सिद्धांत और विधियाँ और उपकरण, और इसके बाद धब्बे जुड़ाने की प्रोसेस, बस इतना सा देख लो कंप्लीट हो जाएगा ये यूनिट, और मेरे सामने चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। थैंक यू।